हेलो फ्रेंड, दिस इज देवाशीष और इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप लोगों को रिव्यू इस ईयरफोन का। और आप लोगों ने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा कि ये है बेस्ट ईयरफोन अंडर 500। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं बताता हूं कैसे इस ईयरफोन और क्या है इसकी क्वालिटी और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बात करूं इस ईयरफोन के क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी ओके है, इतनी अच्छी नहीं है। और रबर वायर देखने को मिल जाता है आपको, और ये वायर उलझता है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वायर उलझता है। इसका एक पॉइंट है, लेकिन इतना भी नहीं उलझता जितना कि आपको कैमरे में दिख रहा होगा। और इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ लेने के लिए। और रियली इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तीन कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मेरे पास रेड है, ब्लैक भी था, वो मेरे से कहीं घूम चुका है, और आपको अब ब्लू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ये काफ़ी अच्छा है। और अगर बात कर लें इसके और भी चीज़ों की, तो इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आप इसमें आपको माइक भी देखने मिल जाते हैं, और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बात होती। लेकिन जो भी हो, ये काफ़ी अच्छा है। और इसका जो ऑडियो जैक है, मीन जो जैक है, वो आपको एल शेप्ड देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। मीन्स अगर आप फ़ोन को प्लग्ड भी करते हैं और रखें, तो ये ज़्यादा इरीटेट नहीं करता, जैसे कि कुछ ईयरफोन्स करते हैं, और ये नेगलेट करने वाली भी चीज़ है कि कई लोगों को ऐसा एल शेप्ड पसंद आता है, कई लोग को नहीं आता, फिर भी ये काफ़ी अच्छा है। और अगर बात कर लूँ इसके ऑडियो की, काफ़ी अच्छा ऑडियो है, जो ट्राइब और बेस कंट्रोल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बेस और होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, और लेकिन जो इसका कलर है वो सचमुच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है इसका। और मेरे पास रेड कलर में है, और ये मैट फिनिश में आता है, इसलिए ये और भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपको इसमें मैग्नेट देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात होती। और जिन लोग को नहीं मानता कि मैं मैग्नेट क्यों बोल रहा हूँ, तो ईयरफोन्स में आजकल मैग्नेट लगे हुए आते हैं, जो आपको ऐसे चिपक जाते हैं, जो एक अच्छी बात होती है। और इसमें अगर आपको वायर ब्रेडेड देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बात होती है, रबर होने के कारण ये उलझता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और इसकी साउंड क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, और मैं आप लोग को रेकमेंड करता हूँ ये लेने का। अगर आप सोच रहे हैं 500 के नीचे कोई ईयरफोन लेने का, अगर 500 के आप थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, तो और भी सारे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपको, जैसे कि रियलमी बर्ड्स 2 आपको देखने को मिल जाता है, जिसका बेस सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसकी भी रिव्यू मैं काफ़ी जल्दी लाऊंगा। और सनहाइजर का ईयरफोन आता है 600 का, उसमें आपको माइक वाइक देखने को नहीं मिलता, सिर्फ वो म्यूजिक के लिए, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। और आपको इस प्राइस रेंज में 500 के नीचे आपको तो और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक आता है बोट की तरफ से, बोट का जो है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, दो ऑप्शन हैं, आप दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप लेना चाहें तो, नहीं तो ये ईयरफोन काफ़ी अच्छा है, और ये शाओमी का ईयरफोन है। तो बस इस ईयरफोन का एक शॉर्ट रिव्यू था, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि 500 के नीचे भी आपको अब क्वालिटी देखने को मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा है। मैं इसे कम से कम 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें मैं इसको 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। बस इसमें अगर आपको माइक और पॉज बटन के साथ साथ आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाता, तो काफ़ी अच्छी बात होती। और बस इस वीडियो में इतना ही, जाने और अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।